हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चने की दाल से बना हुआ फरा बनाना सिखाएंगे। इसके लिए देखिए, हमने चने की दाल ले लिया हुआ है और उसको हमने 5 घंटे के लिए भिगोया हुआ है और उसके बाद इसको छान लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है, एकदम इसको ड्राई कर लिया है हमने। अब चलिए हम देखते हैं फरे बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए, मैंने 2 प्याज काटा हुआ है और कुछ मैंने हरी मिर्च ली हुई है, 1 इंच हमने अदरक लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच हमने हींग पाउडर लिया है, गरम मसाला 1/2 चम्मच लिया है और हमने हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया, जीरा, काली मिर्च वाला मसाला जो है हमने 1 चम्मच लिया हुआ है और कुछ हमने लहसुन लिया हुआ है। और फरे बनाने के लिए हमने गेहूं का आटा लिया है। आज मैं आपको गेहूं के आटे से बना हुआ सिखाऊंगी। चलिए अब इन मसालों को हम मिक्सी की जार में पीस लेते हैं। चने की दाल को डालते हैं, उसके बाद हम अपने कुछ मसाले इसमें पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने अदरक डाला, हरी मिर्च को और प्याज गया इसके अंदर और ये हमारा गया लहसुन। अब हम इसको पीस लेते हैं। दाल देखिए हमने पीस लिया है, अब इसमें हम पिसे हुए मसाले ऐड करते हैं। ये देखिए, हमने 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक इच्छा अनुसार, अब हम इसमें हींग, गरम मसाला, हल्दी और धनिया जीरा पाउडर इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मसाले इसमें मिक्स हो गया है और अब हमने जो है आटा हमने सान के रखा हुआ है, अब हम गैस के पास चलते हैं। गैस पे देखिए, पानी कुकर में मैं 2 गिलास पानी डाला है और इसको उबलने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और कोई भी ऐसा जालीदार कोई भी हम बर्तन ले लेंगे, वो इसके अंदर डाल देते हैं और पानी को, गैस को तेज कर देते हैं और पानी को बॉइल्ड होने देते हैं। चलिए जब तक हम लोग फरे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने आटे की लोई तैयार करके रखी हुई है और इसको हमने बेल के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। और ये देखिए, रोटी हमने बेल ली है, अब इसमें हम चम्मच की सहायता से भरते हैं। ये देखिए, ऐसे से भरते हैं, फिर इसको जस्ट लाइक गुजिया की तरह इसको बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। साइड से इसको दबा देते हैं। ऐसे ही हम सारे फरे बना के रख लेते हैं। ये फरे हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, पानी हमारा बॉयल हो गया है और इसको एक एक करके डालते हैं। और इसको ढक देते हैं। बीस मिनट हो गए हैं और हमारे फरे जो हैं पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, एक एक करके हम सारे निकाल लेते हैं। ये देखिए, फरे बनके हमारे तैयार हो गए हैं। आप इनको जो है फ्राई करके भी खा सकते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं
और चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये दोनों ही तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थैंक यू।